अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज डेटाबेस के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी डेटाबेस के अंदर एक पावरफुल कंसेप्ट है, और जब भी हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन हम ज़रूर अप्लाई करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को ज़रूर यूज़ करते हैं। और जब तक हम डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन यूज़ ना करें तो हम स्मार्ट अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी हम डेटाबेस में काम करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, तो हम एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन करना चाहते हैं, ताकि वो एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, और उसमें रिडंडेंसी जो है वो कम से कम रिडंडेंसी हो। हम ट्राई करते हैं कि रिडंडेंसी को एलिमिनेट करें। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? डुप्लीकेशन। जितनी डुप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी उतने ही डेटाबेस में इश्यूज आएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस किस पे है? फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली एक कोर कंसेप्ट है डेटाबेस का, और ये कहलाता है नॉर्मलाइजेशन का टूल कहलाता है। अगर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी के कंसेप्ट को नहीं समझा आपने, तो आप नॉर्मलाइजेशन बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं हम नॉर्मलाइजेशन को अच्छा परफॉर्म करें, नॉर्मलाइजेशन बेहतर अप्लाई करें अपने, और अच्छी तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आए, और हम डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त हम रिडंडेंसी को एलिमिनेट करें, इफेक्टिव और एफिशिएंट डेटाबेस डिज़ाइन करें, और बेहतर तरीके से हम डेटाबेस और डेटा को अच्छा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करें, तो हम नॉर्मलाइजेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मलाइजेशन से पहले आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप बेहतर तरीके से नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो टूल कहलाता है किसका? नॉर्मलाइजेशन का। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या? व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी? फंक्शनल डिपेंडेंसी का सिंपली कंसेप्ट है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन आर टेबल इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन हम टेबल को भी कहते हैं। डेटाबेस में जब हम टेबल बनाते हैं तो उसको हम रिलेशन भी कहते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। या आप क्यों कह सकते हैं कि रिलेशनशिप अमंग द एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल आर इन अ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। बताता हूँ, जैसे अभी देखें डेफिनेशन में आपको इसलिए यहाँ रखिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें और अपने नोट्स में आपको बनाने में आसानी हो। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ कंसेप्ट दैट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट वेयर वन एट्रीब्यूट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन अदर एट्रीब्यूट। तो दो एट्रीब्यूट के दरमियान, अब दो एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, और दो एट्रीब्यूट के दरमियान या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। यहाँ देखें, और फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। इट टिपिकली एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट्स विद इन अ टेबल। अगर अब देखें, इट इज डोनेटेड एज एक्स डिटरमाइंड वाई, वेयर द एट्रीब्यूट सेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो एक्स इस कॉल्ड डिटर्मिनेंट एंड वाई कॉल्ड द डिपेंडेंट। अब देखें, दो एट्रीब्यूट है जो डिटरमाइन कर रहा है, अब एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को। देखें, किसी रिलेशन के किसी टेबल के दो कॉलम है, हम यहाँ पर एक्स वाई ले रहे हैं, एक्स एक कॉलम है और दूसरा वाई कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, तो ये क्या कहलाएगा? आपका डिटर्मिनेंट। तो डिटरमाइन कर रहा है ना, वो डिटर्मिनेंट है, और जो डिटरमाइंड हो रहा है जैसे वाई हो रहा है, तो वाई क्या? डिपेंडेंट है। तो वाई डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? वाई डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के तौर पर, और यहाँ पर इसके साथ से कीज का बड़ा रोल है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एक टेबल बनाई, जैसे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट्स का एड्रेस, ठीक है। अब जो दूसरे कॉलम जो होंगे, अब एक कॉलम क्या होगा? स्टूडेंट रोल नंबर। अब स्टूडेंट रोल नंबर क्या है? स्टूडेंट रोल नंबर इज अ प्राइमरी की। स्टूडेंट रोल नंबर क्या होगा? प्राइमरी की। ये प्राइमरी की स्टूडेंट रोल नंबर डिटरमाइन करेगा किसको? नेम को डिटरमाइन कर सकता है। स्टूडेंट रोल नंबर किसको डिटरमाइन करेगा? स्टूडेंट एड्रेस को डिटरमाइन करेगा। तो
स्टूडेंट रोल नंबर क्या होगा आपका की एट्रीब्यूट कहलाएगा, स्टूडेंट रोल नंबर क्या कहलाएगा की एट्रीब्यूट प्राइमरी की, तो भी आपके टेबल के अंदर रिलेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की होगा ना वो कहलाएगा की एट्रीब्यूट, और जो बाकी जो एट्रीब्यूट होंगे जो प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे नॉन की एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ इसका जिक्र किया प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट, तो नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड करेंगे किसके ऊपर प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करेंगे, इस तरीके से जो रिलेशन बनता है तो ये आप क्या कहलाता है हमारा फंक्शन डिपेंडेंसीज, और ये बड़ा रोल है इसके अंदर, और यहाँ पर इसके साथ साथ की इसका इस्तेमाल करते हैं हम प्राइमरी की, अब आगे हम पढ़ेंगे डिस्कस करूंगा कि प्राइमरी की कैंडिडेट की सुपर की फॉरेन की डिफरेंट कीज का इस्तेमाल करके हम इन तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल अज्यूम वी हैव एन एम्प्लॉय टेबल विद विद द एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट्स कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय नेम एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल, बिकॉज ऑफ वी नो एम्प्लॉय आईडी वी कैन टेल दैट एम्प्लॉय नेम एसोसिएट विद इट। देखें एक एम्प्लॉय का टेबल है और इसमें एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है, तो ये क्या है ये एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन कर रहा है किसे एम्प्लॉय नेम को डिटरमाइन कर रहा है, ये क्या हुआ डिटरमिनेंट हुआ और ये क्या हुआ डिपेंडेंट हुआ, एम्प्लॉय नेम डिपेंड करेगा इसके ऊपर एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, तो जो भी हमारा डिटरमाइन कर रहा होगा टेबल के अंदर वो हमारी क्या होगी प्राइमरी की आप बना रहे हैं प्राइमरी एम्प्लॉय आईडी स्टूडेंट रोल नंबर क्या है प्राइमरी की है, तो डिटरमाइन करेगा किसको नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करेगा डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ये ओवरऑल कंसेप्ट क्या कहलाता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आगे देखते हैं फर्दर। अब देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी की दो बेसिक टाइप्स हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी की दो बेसिक टाइप्स हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और दूसरा हमारा क्या कहलाता है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि ए डिटरमाइन बी, अगर ए डिटरमाइन कर रहा है बी को तो ये क्या हैज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ द बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तब अगर ए डिटरमाइन बी को कर रहा है और बी जो है सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, तब ये क्या कहलाएगा ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज आर आल्सो ट्रिवियल लाइक, अब इसकी एग्जांपल क्या होगी कि ए डिटरमाइन ए को करेगा और बी डिटरमाइन बी को कर सकता है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगी रोल नंबर, एक रोल नंबर स्टूडेंट रोल नंबर स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट का एड्रेस, अगर स्टूडेंट रोल नंबर अपने आप को डिटरमाइन करेगा स्टूडेंट रोल नंबर, देखें ए डिटरमाइन ए मतलब स्टूडेंट रोल नंबर को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, या एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, तो जो कॉलम अपने आप को डिटरमाइन कर रहा है प्राइमरी की है अपने आप को डिटरमाइन कर रही है तो कर सकती है ना, तो ये हमेशा ट्रिवियल ऑलवेज जब चेक करने की जरूरत नहीं है ऑलवेज ट्रिवियल होगी ऑलवेज वैलिड होगी, ठीक है, कि एम्प्लॉय नंबर जो है एम्प्लॉय नंबर को डिटरमाइन कर सकता है स्टूडेंट कोड को डिटरमाइन कर सकता है, ये कहलाती है हमारी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और दूसरी जो टाइप है हमारे पास नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, अगर ए डिटरमाइन कर रहा है बी को एज अ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है, अगर ए डिटरमाइन कर रहा है बी को तो बी जो है ए का सबसेट नहीं है, मतलब यहाँ ऊपर क्या हो रहा है सबसेट ऑफ ए, मतलब ए अगर रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है रोल नंबर को तो रोल नंबर जिसको डिटरमाइन कर रहा है जो डिपेंडेंट है वो किसका पार्ट है रोल नंबर का ही पार्ट था, यहाँ पर क्या है बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, मतलब अगर एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय नेम को, एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन कर रहा है किसको एम्प्लॉय नेम को, तो एम्प्लॉय नेम इज नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी की एम्प्लॉय नेम इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, तो इसलिए इसकी एग्जांपल यही है कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, मतलब एम्प्लॉय ए क्या एम्प्लॉय आईडी और बी क्या एम्प्लॉय नेम, बी जो है इज नॉट सबसेट ऑफ ए एंड एम्प्लॉय आईडी, ये क्या है इस तरह की जो क्या कहलाएंगी यहाँ हमें चेक करना पड़ता है कि वैलिड है या नॉट वैलिड है, तो ये क्या कहला देगा हमारी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एम्प्लॉय आईडी जो है डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय नेम को, एम्प्लॉय आईडी जो डिटरमाइन कर रही है सैलरी को, तो ये हमेशा क्या कहलाएंगी हमारी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये बेसिक दो टाइप्स है हमारी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉन फंक्शनल ट्रिवियल डिपेंडेंसी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी कहलाती है फर्दर समझने के लिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही होती हैं, तो यहाँ पर
एक साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। उसने जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज की प्रॉपर्टीज रूल्स बताए। ये रूल्स क्या कहलाते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स रूल्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसके ये भी आपको पता होने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्तहान के अंदर, वाइवा के अंदर ये चीजें अक्सर फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज, दीज आर दी रूल्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय दी आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम, आर्मस्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम रूल्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, पहला क्या है, रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी जैसे मैंने बताया अभी, जैसे जिक्र किया मैं, ट्रिवल रिफ्लेक्सिविटी हमेशा ट्रिवल ही होती है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ, अगर एक्स डिटरमाइन कर रहा है, देखें अगर एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, तो वाई क्या है, वाई अगर एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, तो वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, तो फिर वो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिविटी होगा। रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है रोल नंबर को, तो रोल नंबर देखें यहाँ एक्स है रोल नंबर, वाई भी क्या है रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है किसको, रोल नंबर को, वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, तो रोल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रोल नंबर, तो रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है रोल नंबर को, एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन कर रही है एम्प्लॉय आईडी को, ठीक है, स्टूडेंट कोड डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट कोड को, तो हमेशा ही क्या कहलाएगी, क्या कहलाती है, रिफ्लेक्सिविटी फंक्शनल डिपेंडेंसी, हमेशा जो है वैलिड होती है। और यही यहाँ बताया जा रहा है कि इफ y इज अ सबसेट ऑफ x, देन x डिटरमाइन y, क्लियर। तो रिफ्लेक्स का मतलब है रिफ्लेक्सिविटी, मतलब वो की वो एट्रीब्यूट अपने आप को ही डिटरमाइन कर रहा है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट कोड, बाय नंबर, क्लियर। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ऑगमेंटेशन, अगर x, इफ x डिटरमाइन y, अगर x डिटरमाइन y को कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइन कर रही है एम्प्लॉय नेम को, ठीक है, x एम्प्लॉय नंबर, y का एम्प्लॉय नेम, तो देन x भी डिटरमाइन y z, तो x के साथ भी एक एट्रीब्यूट एडिशन हो गया, और y के साथ y x और y के साथ एक एट्रीब्यूट हम एडिशन कर दिया। ताकि तो पर अब देखें, समझे जरा इसको, x डिटरमाइन y को, तो x z डिटरमाइन y z भी कर सकता है, जी हाँ, y को मिसाल एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय नेम को, तो एम्प्लॉय नंबर सैलरी डिटरमाइन कर सकती है एम्प्लॉय नेम सैलरी को, एम्प्लॉय नेम नंबर के साथ भी सैलरी का इजाफा हो गया, ई नेम के साथ भी सैलरी का इजाफा हो गया, ये कॉलम के साथ कोई और कॉलम एड ऑन करना, और ये वैलिड है, हम इसका भी कॉल कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है, ऑगमेंटेशन, ठीक है। तीसरी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में ट्रांजेक्शन जब करते हैं, अगर x डिटरमाइन कर रहा है y को, तो y डिटरमाइन कर रहा है z को, तो x डिटरमाइन कर सकता है z को, अगर x डिटरमाइन कर रहा है y को, y डिटरमाइन कर रहा है z को, तो फिर x डायरेक्ट भी z को डिटरमाइन कर सकता है। अब समझिए जरा इसको प्रैक्टिकली, अगर x एम्प्लॉय नंबर अगर डिटरमाइन कर रहा है y को, एम्प्लॉय नंबर अगर डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय नेम को, और एम्प्लॉय नेम डिटरमाइन कर रहा है सैलरी को, तो एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइन सैलरी को भी कर सकता है, क्लियर। तो ये इसलिए इस तरह के क्या कहलाता है हमारा, ट्रांजिटिविटी फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्लियर। इसी तरह फोर्थ वन है हमारे यूनियन, अगर x डिटरमाइन कर रहा है वाई को, और x डिटरमाइन कर रहा है जेड को, तो फिर x डिटरमाइन कर सकता है वाई और जेड को, मतलब x सही है, अगर एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय नेम को, और एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय सैलरी को, तो एम्प्लॉय नंबर जो है वो डिटरमाइन कर सकता है एम्प्लॉय नेम और प्लस सैलरी को, इकट्ठा भी डिटरमाइन कर सकता है, तो ये क्या कहलाते हैं, यूनियन प्रॉपर्टी, क्लियर। और फिफ्थ वन है हमारी डिकम्पोजिशन, इसका बिल्कुल रिवर्स है, कि अगर x डिटरमाइन कर रहा है वाई जेड, अगर x डिटरमाइन कर रहा है वाई जेड को, तो देन x डिटरमाइन कर सकता है y को, और x डिटरमाइन कर सकता है z को, हाँ ठीक है, तो वाइस वर्सा है, बिल्कुल अपोजिट है, अगर एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय नेम को और सैलरी को, तो फिर देन तो एम्प्लॉय नंबर अलग से भी ई नेम को डिटरमाइन कर सकता है, और एम्प्लॉय नंबर अलग से सैलरी को भी डिटरमाइन कर सकता है, क्लियर। ये कहलाते हैं हमारी डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी। दूसरा हमारे पास क्या है, सोरो ट्रांजिटिविटी, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है,
जीरो ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अब देखें इफ एक्स डिटरमाइन वाई, अगर एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, डब्ल्यू वाई डिटरमाइन कर सकता है जेड को और डब्ल्यू एक्स डिटरमाइन कर सकता है तो जेड को, ठीक है। अगर एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को तो वाई डिटरमाइन कर रहा है जी को, तो एक्स डिटरमाइन कर सकता है जेड को। ट्रांजिटिविटी में क्या कर रहा है, एक्स डिटरमाइन वाई, वाई डिटरमाइन जेड, तो एक्स डिटरमाइन जेड। लेकिन यहाँ भी यही है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का इजाफा हो। अगर एक्स डिटरमाइन वाई कर रहा है तो फिर एक्स डिटरमाइन एक्स के एक्स डिटरमाइन वाई, ठीक है, तो वाई डिटरमाइन जेड, तो वाई के साथ डब्ल्यू वाई, अगर कॉलम एड ऑन हो जाए तो वाई उसके साथ मिलके भी वो जेड को डिटरमाइन कर सकता है। और इसी तरह एक्स डायरेक्ट भी जेड को डिटरमाइन कर सकता है, उसके साथ भी कोई कॉलम एड हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा स्यूडो ट्रांजिटिविटी। स्यूडो ट्रांजिटिविटी को अगर आप देखें तो ये इन दोनों की कम्बिनेशन पे ये काम कर रहा है, एक ट्रांजिटिविटी और दूसरा हमारा ऑगमेंट, क्लियर। लास्ट वन इज अ कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, हमारा जो x अगर डिटरमाइन कर रहा है y को, ठीक है, ये x और y इसलिए लिया है, यहाँ पर ये क्या है हमारा x भी रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रीब्यूट को और y भी रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट को या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, क्लियर। इफ x डिटरमाइन y देन z डिटरमाइन w देन xz डिटरमाइन yw, मतलब कि अगर x डिटरमाइन कर रहा है y को और y और z डिटरमाइन कर रहा है w को, अब आप देखें ये x मिल जाएगा किसके साथ, ये x के साथ, z के साथ, x z के साथ और ये y w के साथ, तो x z मिलकर भी y w को कॉल कर सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कंपोजिशन प्रॉपर्टी। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, and these rules are called Armstrong rules of the functional dependency। ये जब भी हम database design करते हैं, हम keys का इस्तेमाल करते हैं और जो relation बनाते हैं, table बनाते हैं, उनके दरमियान जो है जो relations बनते हैं, इनके understanding के किस तरीके से हम attributes handle करके कौन सा attribute किस तरीके से call हो सकता है, और वो सारी बातें सारी की चीज़ें हमारा प्राइमरी की का भी बड़ा रोल है, कीज़ का बड़ा रोल है, ठीक है। दिस इज ओवरऑल इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।